देखो प्रभु जो भजन गा रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? नाम रस मीठा है। जोर से बोलो मीठा है। नाम रस मीठा है। मीठा बोल रहे थे ना। अब देखो इस जगत में कोई भी चीज हो, ये जगत में कोई भी चीज देखना जो आनंद है वो कभी बढ़ते हुए कभी नहीं देखोगे। जगत का जितने सारे आनंद है देखोगे, घटते हुए सारे आनंद देखोगे। क्या देखोगे? जोर से बोला जगत का कोई भी आनंद कभी आप कभी भी नहीं देखोगे, कभी बढ़ते हुए देखो। हर समय जगत का आनंद घटता है, घटता है कि नहीं? आनंद जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया, जब पहला बार देखते हैं कैसे, जब पहला बार कोई सिनेमा देखा बोले क्या बढ़िया सिनेमा है, कितने सुंदर है। लेकिन उसी सिनेमा को जब दो बार देख लो ना, पहले जो आनंद था द्वितीय बार में वो आनंद आएगा नहीं आएगा? लेकिन जब तीसरी बार वो सिनेमा देखोगे पहले जो आनंद, वो आनंद आएगा। अगर एक सिनेमा को तीन चार बार देख लोगे ना, फिर तो वह पंचम बार बैठने का इच्छा ही नहीं करेगा। इच्छा करेगा? एकदम इच्छा नहीं करेगा बैठने के लिए। कोई भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो देखना, जैसे एक रसगुल्ला खा लिया बोले कैसे बहुत बहुत बढ़िया मीठा है, दूसरा बार खा लो मीठा है, तीसरा बार खा लो ठीक है, चौथा बार बोले भरे और अगर चौथा खा लिया ना पंचमा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप लोगों ने शादी किए हो? कौन कौन शादी किए हो? देखना देखा, ये बताना चाह रहा हूँ संसार का कैसे हर चीज कैसे घटती है। पहले जब शादी होती है कभी पत्नी को क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। कहते एक चंद्रमा तो आकाश में, एक चंद्रमा हमारे पास में। लेकिन देखना वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर वो सूरजमुखी बन जाती है। देखना वही सूरजमुखी कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी बनकर आज हमारे पास में किसका फोन आया था, उन लोगों ने शादी किया है लेकिन अभी डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, डाइवर्स के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा भैया क्यों डाइवर्स? बोले वो उसको जब शादी से पहले बोल रहे थे हम एक बार मेरे पास ना, बोले बाबा हमें आशीर्वाद दो। बोले क्या? जैसे सात जन्म तक हम जैसे छुए थे, सात जन्म, सात फेरा लगाते हैं ना शादी के लिए, कि वो सात जन्म तक इकट्ठे रहे। वो बोला महाराज जी आशीर्वाद सात जन्म तक जैसे छुके नहीं। कुछ दिन पहले हमें तो कहा पत्नी ठीक था, बोले हमें अलग हो डाइवर्स हो गया। बोले क्यों डाइवर्स? तू तो आकर के बोल रहा था बाबा आशीर्वाद दो सात जन्म तो वो छूटे नहीं बोल रहे। बोले सात दिन को साथ में रह नहीं सकता, सात दिन क्या कहते एक दिन भी नहीं रह सकता। मतलब ये जगत का कोई भी आनंद को देखोगे ना कभी बढ़ते हुए कोई भी चीज, जैसे नया घर बनाया बहुत बढ़िया लगता है लेकिन कुछ दिन बाद में फिर आनंद घटता ही नहीं। इसलिए जगत का कोई भी आनंद देखोगे ना कभी बढ़ते हुए नहीं देखोगे, हर समय आनंद क्या होता है? आई लव यू, आई लीव यू, फिर आई किल यू, फिर कोर्ट में जाकर के लाइन लगा देगी नहीं, क्यों फिर घटते हैं? इसलिए जगत का कोई भी आनंद को देखोगे कभी घटते हुए नहीं घटते, हर समय क्या होता है? घटती है। लेकिन जैसे कोई घर में हनुमान चालीसा कोई पढ़ता होगा, कोई पढ़ते हो? रामायण का कोई, रामायण कोई पढ़ते हो? कोई पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? देखना देखना रोज रोज एक ही चीज पढ़ रहे कि नहीं? कहीं विरक्ति आती है? जैसे ठाकुर को घर में, हर घर में ठाकुर दिए होंगे ना, घर में ठाकुर किसकर कान्हा होगा, लड्डू गोपाल होगा, ठाकुर होगा। देखना रोज रोज ठाकुर को दिन में सवेरे भी देखते हो, दोपहर में भी देखते हो, शाम को देखते हो, फिर जब नया श्रृंगार करो ना, ठाकुर जी कितने प्यारा लग रहे हैं, लग रहे लगता है कि नहीं? इसलिए भगवान कहते नाम रस मीठा रे, मतलब जो भगवान इतने उसमें रस है तभी तो हनुमान 24 घंटा रघुपति राघव राजा राम पति पावन, तभी तो हनुमान दिन रात प्रभु का नाम को ले रहे हैं। क्यों? प्रभु का नाम इतने मीठा है, इतने मीठा, इतना आनंद है जगत में, और किसी चीज में इतना आनंद नहीं है, इतने आनंद नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर इसमें आपको परमानेंट अगर आनंद बनना चाहते हो ना, बस भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान का नाम में ही हर समय आनंद, उसमें आनंद है। इसलिए क्या करो, हर समय भगवान की नाम का जप करना। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम। जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो कि जो हरि नाम में
इसमें तीन नाम है। कितना नाम है? क्या क्या बोला? पहला शब्द हरे। हरे मतलब क्या होता है? हरि का नाम हरे हो गया। हरे मतलब जीवन का जितने दुख कष्ट है प्रभु का नाम लेने पर सब दुख कष्ट जो हर ले, समस्त दुख कष्ट को जो हर लेते हैं इसलिए उनका नाम हरि, हरि से ये हरे। दूसरा नाम है कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या? हमारा मन बड़ा चंचल है, इस चीज में मन नहीं लगता है, मन में बड़ा दुख कष्ट है। जो कृष्ण शब्द है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना और स्ना मतलब होता है आनंद देना। अगर कोई कृष्ण नाम जब करेगा तो फिर ना, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप उसको कृष्ण नाम कराना, देखना अपने आप मन लग जाएगा, अपने आप बच्चे का मन पढ़ाई में अपने आप लग जाएगा। जिन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, सवेर बैठ करके एक माला जप करो, भगवान की एक माला जप करना, बच्चों को माला जप करवाना, देखना आप स्वयं देखोगे जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है अपने आप बच्चा पढ़ने में लग जाएगा, क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण है जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। असना मतलब होता है आनंद देना, जो मन को भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे और जो जीवन में जो आनंद दे। कहते राम, तीसरा नाम क्या है? राम। राम मतलब क्या है? कहते जीवन में हमें जो आराम, जीवन में आराम, जीवन में शांति सुख दे है। इसलिए अगर ये हरि नाम करो करोगे ना, कितना फल मिलेगा बोलो? कितना फल मिलेगा? तीन फल मिलेगा। हरे मतलब क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इतने हरे मतलब हमारे दुख कष्ट को जो हरण कर दे है, हरण कर दे। इसलिए हरे, हरि से हरे शब्द है। कृष्ण मतलब क्या हुआ? अगर जिसका मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, मन में बेचैन सा है, सब कुछ घर में लेकिन मन में शांति सुख नहीं, आप कृष्ण नाम करके स्वयं देख लेना, ठाकुर के सामने बैठो, बैठ करके थोड़ी प्रभु का नाम ले लो, आप देखोगे जो मन अशांत है वो अपने आप मन को शांति मिलने लग जाए हैं। और जिसको जीवन में आराम नहीं है, राम का नाम लो जीवन में। हनुमान क्या करते? प्रभु का नाम लिया, अपना दुख तो गया। कहते ना महावीर जब नाम सुना दो भूत पिशाच निकट नहीं आ, बोलते है ना, देखो प्रभु का उन्होंने नाम ले रखे, प्रभु का अपना दुख तो गया और दुनिया का भी दुख का सब तो दुख भी ये दूर करते हैं। इसलिए भगवान के नाम अगर जप करोगे घर में बैठ करके, अब देखना मन में बड़े शांति मिलेगा, मन को बड़े सुख मिलेगा, मन को इतना आनंद मिलेगा दुनिया में कभी आनंद मिला नहीं। आप लोग कोई वृंदावन में गए हो? हाथ उठाओ तो कौन कौन वृंदावन में गए? हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, कि शर्म लगता है। आप देखना वहां पर अंग्रेजी इस्कॉन नाम सुने हम, अंग्रेजी, आप अंग्रेजी मंदिर में जाना, अंग्रेजी मंदिर में जाना, वहां देखना अमेरिका के, लंदन के, फ्रांस के, जर्मन के, रसिया के सब भक्तों को वहां पर देखना, मोटे मोटे तिलक, गला में कंठी, चोटी, हाथ में माला है, माला, वहां लड़कियों को वहां देखना, लड़कियों को देखना सब साड़ी पहने हुए, आप लोग को किसका सर पर यहाँ कपड़ा नहीं है, वहां पर देखोगे अंग्रेजियों को देखोगे तो सर पर सर कपड़ा रखे होंगे, देखोगे है। रसिया नाम सुनो, रसिया वहाँ के लड़कियों ने सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, केस डाल दिया, बोले क्यों? बोले हम कॉलेज में साड़ी पहन के क्यों नहीं जाए, ये केस कर रखा है, हम कॉलेज जाएंगे तो साड़ी, लेकिन हमारे देश का लड़की हम जीन स्कर्ट पहन कर क्यों स्कूल नहीं जाए, कॉलेज नहीं जाए? आश्चर्य देखो, वो हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को हम ग्रहण कर रहे हैं। हम तो हिंदू है, हमारी मूल ग्रंथ भगवत गीता है ना, गीता है, इसको पूछो गीता का कोई श्लोक कौन बोल सकता है? गीता का एक श्लोक लेकिन कुछ कौन बता, कौन हीरो का नाम पूछो, करो हीरोइन का नाम पूछो, बॉलीवुड में किसका नाम पूछो, सब याद है, सब याद है हमको, याद नहीं की सॉरी। लेकिन अपना संस्कृति को, अपना संस्कृति का कोई चीज, मैं जयपुर गया था कथा करने के लिए, देखो ध्यान दे, जयपुर कथा के लिए मैं आ रहा था कथा करने के लिए, 10 साल का छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने उसको पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, उसने जो नाम बोला मैं समझ गया मुसलमान है, मुसलमान। मैंने कहा बेटा तेरे को कुरान आता है? वो अपना छाती चौड़ा कर, हाँ मेरे को कुरान आता, मैंने सुना वो कुराना कुरान शुरू कर दिया बोलना। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से कुरान को पढ़वाते हैं? कहते हमारे धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र से उसको कंपलसरी कुरान पढ़ाएंगे ही, पढ़ना पड़ेगा। अब तो यहाँ देखे होंगे शुक्रवार का दिन
मुसलमान छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके रास्ता जाम कर देते हैं। देखे कि नहीं, हमारे अंदर में कोई है जो अपना बच्चे को बोलते बेटा थोड़ा रामायण पढ़, थोड़ा गीता पढ़, थोड़ा भागवत पढ़, कोई बोलते हैं बच्चों को? कौन बोलता है अपना बच्चों को? देखो माता जी, माता को ताली बजाओ, ये माता जी कहाँ से बोलती है बच्चों को, हैं? इसलिए इसलिए हमारे हमारे जो बड़े गुरु जी थे, हमारे बड़े गुरु जी के पास में कोई आए बोले गुरुदेव बच्चा बात नहीं सुनता है। बच्चा क्या नहीं सुनता है? आप देखो घर घर में एक ही कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते। देखो हमारे गुरु जी कितनी बड़ी बात बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चे को कभी बोले रामायण पढ़ने के लिए? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको तो यही दुर्गति होगी। कहाँ बताया सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छो? ये रामायण में ही बताए, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। रामायण देखे होंगे, भगवान सबसे पहले उठकर किसकी चरण छूते थे? पिता माता के चरण छूते थे। रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज सैनिक देखे कि रामायण, भगवान राम स्वयं दशरथ महाराज के चरण की सेवा करते हैं, ठाकुर जी स्वयं पिता माता की सेवा करते हैं। इसलिए रामायण पढ़ने पर ही हमें पता चलता है क्या है, पिता माता की सेवा करनी चाहिए। सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो? अब कोई है जो सबसे उठ के सवेरे उठ कर पिता माता की सास ससुर के चरणों छूते हो? हाथ उठाओ तो। देखो एक बच्ची, बहुत अच्छी बात, एक दो माता हाँ छूते है ना, देखो बहुत अच्छी बात। इसलिए ये सब रामायण से सीखते हैं, लेकिन हम रामायण पढ़ते नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ा। लेकिन क्या जानते हो, स्मार्टफोन बच्चे को बच्चों को भरवा देते हैं, 20-20 हजार, 50-50 हजार देखोगे बच्चों के पास में स्मार्टफोन है, जिस जीवन जिसको बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। अभी बच्चे लोग इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे, इतने नशा चढ़ गया उनके ऊपर, इतने नशा चढ़ गया, पढ़ाई पढ़ाई सब इसमें चक्कर बर्बाद कर। इसलिए अगर हम चाहते हैं बच्चे अपना अपना घर भगवान का धाम बन जाए, अयोध्या बने, अयोध्या मतलब जहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता है, इसलिए अयोध्या ना, अवध, अवध मतलब क्या, जहाँ पर बंधन नहीं होता है, कोई मरते नहीं। अगर घर को हम चाहते हैं अयोध्या अवध बना, क्या हो बेटा राम जैसे बेटा हो और सीता जैसे, बोलो जोर से, अरे बोलो सीता जैसे बहू हो और बच्चे जैसे लव कुश जैसे घर में, लव कुश जैसे बच्चे, बस वही घर अयोध्या, वही घर ही अवध है, घर ही वृंदावन बन जाएगा। बिना घर घर में अगर प्रभु का नाम कीर्तन भजन होना, तुम्हारी घर नहीं, घर तुम्हारी वृंदावन धाम बन जाएगा। अगर चाहते हो वास्तव रूप में घर में शांति और सुख आए, घर अयोध्या बन जाए, क्या करो? रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार लाओ। और जो पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु कौन है? पहला गुरु माँ है, उसके बाद में पिता है, हैं? पहला गुरु कौन है? माँ। सबसे पहले बच्चे का संस्कार, माँ की संस्कार सबसे पहले बच्चों के ऊपर पड़ेगा। अगर दिन भर माँ टीवी देख रही है स्मार्टफोन में लेकर के बच्चे को अगर बोलेगा बेटा क्यों स्मार्टफोन देख रहे हो, पढ़ाई करे, करेगा? बोले तू तो दिन भर देख रहे, तू दिन भर टीवी के सामने बैठी हो और दिन भर तू खुद स्मार्टफोन में लगी हुई, हमें कहती हो जाकर तू स्मार्टफोन छोड़ दे, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अगर वही बच्चा देखता है, अब देखना बच्चों का स्वभाव, अगर माँ अगर माला लेकर बैठ कर हरिनाम करती रामायण, बच्चे का स्वभाव देखना, ये देखना है मैया क्या देख रही है मैया। अगर हम देखा हमारे जैसे भक्त लोग माला जब करते हैं ना, वो बच्चा माँ के हाथ से छीन लेते हैं माला लेकर के, खुद ऐसे माला का हाथ में रख के हरे कृष्ण, मैया बैठकर हरे कृष्ण करती है ना, बच्चा भी बैठकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण माँ करती है ना। इसलिए पहला गुरु माँ है, माँ के संस्कार सबसे पहले बच्चे को ऊपर बैठती है। इसलिए अगर चाहते हो बेटे लव कुश जैसे हो, घर अयोध्या बने, क्या करो? हरि नाम करो, भगवान का नाम लो, गीता रामायण पढ़ो, जब भी तुम्हारी हरि भगवान का धाम बन जाएगा, अयोध्यापुरी बन जाएगा तुम्हारी, ठीक है ना? हाँ, ऐसे संस्कार डालो बच्चों को करे, सब बच्चे भजन करे, भगवान की भक्ति करे और घर में आनंद आनंद घर में छा जाए। अगर तुम्हारे घर में जैसे किसी माता ने अपना बच्चे को उद्देश्य में, अपना बच्चे को आज कितना साल उसकी होगी? 2 साल उद्देश्य में बोले नहीं, हम तो भक्तों को बुलाएंगे, संतों को बुलाएंगे, घर में हमारी कीर्तन हो, घर में हरि कथा हो, घर में प्रभु की चर्चा हो। इसलिए भागवत कहता है जिस घर में हरि कीर्तन हो गई, हरि की भजन हो गई, सत्संग हो गई ना, कह तो घर घर नहीं है, भागवत कहता है वो घर भगवान का धाम बन जाता है, भगवान की धाम बन जाती है। और घर के जितने पाप है, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर से सारे अमंगल सब दूर हो जाते हैं, सब घर से सारे अमंगल दूर हो जाए। क्यों? वहां पर हरि के नाम हो गए, हरि की कीर्तन हो गई। भागवत तो कहता है
सर्वानी तीर्थानी बसंती तथा जथा चुताद और कथा प्रसन्न। तो जहाँ पर भगवान अच्युत की कथा, भगवान की कथा हुई, भागवत कहते हैं सुतो गोस्वामी, वो घर नहीं बोले सर्वानी तीर्थानी बसंती तथा, पृथ्वी के जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जितने धाम हैं कद उसी घर में आकर बैठ जाते, सारे धाम उसी घर में आ गए। कद जितने तीर्थ है आपको पता कितने तीर्थ है, शास्त्र ने बताया 6 अरब। कितना है 1 अरब? कितना होता है बोले 1 अरब कितना होता है, कौन बोलेगा? हाँ 1 अरब कितना होता है? 7 करोड़। 6 अरब मतलब कितना हो गया? 6 करोड़। ये भागवत उसी घर में 6 करोड़ तीर्थ उसी घर में आकर बैठी गई, जिस घर में प्रभु की हरि चर्चा हरि कथा हो गई हरि का कीर्तन हो गई घर में 6 अरब तीर्थ उसी घर में आकर बैठ जाते हैं। इतने महिमा जिस घर में सत्संग और हरि का कीर्तन हो। इसलिए जिन लोगों ने आज बुलाया घर में, घर का मालिक कौन है और घर की प्रभु जी कौन है? ये घर की जो मालिक है प्रभु जी, और आपके बेटा है ना जो, अच्छा और आप धर्म पत्नी कौन है? पत्नी कहाँ है आपकी, कौन है? और यही है ठीक है, वो भी है बेटा ये भी है कौन है और ये भी है, बहुत अच्छी बात। इसलिए देखो इनके लिए ताली बजाओ, उन्होंने अपना बच्चे के उद्देश्य में जोर से ताली बजाओ, ताली बजाओ। उन्होंने घर में उल्टा उल्टा व्यक्ति काम नहीं कर घर में सत्संग करवाए, भगवान की कीर्तन करवाए। इसलिए जो प्रभु के लिए कुछ करते हैं ना जगत में, वही जगत का सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ फल उनको ही प्राप्त होता है काम को जो करते हैं। इसलिए आप लोग भी घर में क्या करना है, अपना शादी के साल ग्रह में बच्चे का बर्थडे हो, भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करवाओ, देना घर में मंगल मंगल होगा। ब्लसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका बधाई गा दो बच्ची के लिए, बधाई। आज ये रात बच्ची की जन्मतिथि है ना, और उन्हें बधाई गा लेते हैं। हैं राधा रानी बधाई।